अभी सुबह का टाइम है, ये देखिए रात को जो चिकन मैंने साफ़ किया था उसमें जो वेस्ट निकला था वो सारा इसको मैंने दे दिया। बीच में कुछ चिकन के पीसेस भी हैं। आई धूप निकली हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे भूख लगी हुई है इनको, देखें खा रहे हैं, चिकन शौक से खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के करम फजल और शुक्र के साथ करते हैं जी आज का व्लॉग शुरू। आज मैं अपार्टमेंट्स में आया हूँ, जुमे का दिन है और रमज़ान मुबारक का ये चौथा जुमा है जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी जो कल मैंने हॉल के जो ढक्कन लगाए थे और जो सीमेंट का इस्तेमाल हुआ था तो उसको पानी देने के लिए आया हूँ, और आज फिर जुमा भी है इंशाल्लाह, जाके तैयारी करनी है। कपड़े मैंने प्रेस कर चुका हूँ सुबह से, सुबह ही कर दिए थे। मैंने कहा कि लाइट का इशू है, पता नहीं चलता लाइट चली जाएगी, तो अभी जाके फिर जुमे की तैयारी करेंगे जी इंशाल्लाह। अभी पानी देते हैं इनको, ये देखें ये माशाल्लाह मज़बूत हो चुके हैं, और ये तकरीबन 6 लगा चुके थे यासर भाई, तो अभी मैंने कहा पानी दे दूँ इनको, पानी से ज़रा मज़बूती हो जाएगी सीमेंट की। अल्हम्दुलिल्लाह जी घर आ चुका था और अभी जुमे की नमाज़ भी पढ़ाया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो करते हैं थोड़ा सा रेस्ट। ये देखिए जी गुलाब के, गुलाब मैंने तोड़ लिए थे, अब इनको अलहदा कर लेते हैं, पत्तियों की अलहदा कर लेते हैं और टब में पानी में धो लेते हैं, और इसके बाद फिर इसका गुलकंद बनाएंगे इंशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह छोटा जो पानी का टब है ये भरा हुआ है, अब इसको धो लेते हैं अच्छे तरीके से ताकि इसमें कोई मिट्टी है वो भी अलहदा हो जाए, साफ़ हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जी गुलाब की पत्तियाँ मैंने तोड़ दी हैं, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ट्रे बढ़ी हुई है। अब इसको शीट पे फैलाते हैं ताकि खुश्क हो जाए, फिर इनको कूट लूँगा। अभी लाइट गई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह जी, लाइट आ चुकी है, नमाज भी पढ़ ली है सर की, ये देखें अभी इनको मैं खुश कर रहा हूँ, थोड़े से खुश तो कर ली है। अभी ये प्लेट की मदद से ऐसे जैसे पंखा हिलाते हैं, ये देखें ऐसे खुश कर रहा हूँ, तो इसको भी कर लूँगा इंशाल्लाह। ये खुश काफ़ी हो चुके हैं, थोड़ा सा मॉइस्चर इसके अंदर रह गया, तो ये इसको खुश करते हैं, उसके बाद फिर इसको कूटते हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये देखें गुलाब की पत्ती मैंने कूट के बटर में भर दी है और मिश्री भी डाल दी है, अब इसको कल हम ही जान धूप पे रखते हैं इंशाल्लाह। और ये देखें ये अल्हम्दुलिल्लाह। इफ्तारी के बाद मैंने दूध पत्ती बना ली थी अपने लिए, और ऊपर मैंने ये देखें मलाई डाली हुई है। सहरी के लिए मैंने अपने लिए ये देखें टमाटर प्याज एक दफ़ा फिर बना लिया था। गुड मॉर्निंग जी, अभी सुबह के 8 बजे हुए हैं, और ये देखें मैंने धूप पे रख दी है, गुलकंद रखी है मैंने, पूरा दिन पड़ा रहेगा तो फिर इंशाल्लाह ये इसमें जो मिश्री है वो मेल्ट हो जाएगी और प्रोसीजर शुरू हो जाएगा इसका बनने का जल्दी इंशाल्लाह। तो अभी चलते हैं अपार्टमेंट्स में इंशाल्लाह, कॉल करते हैं पहले कि वो आएगा बंदा नहीं आएगा, और यासर भाई भी आएंगे कि नहीं आएंगे, कॉल करके फिर पूछते हैं, फिर जाते हैं इंशाल्लाह। गंदम पकना स्टार्ट हो चुकी है, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जो धूप लगेंगी सख्त धूप लगेंगी धूपें, और फिर ये पक जाएगी इंशाल्लाह, ईद के बाद फिर इसकी कटाई शुरू हो जाएगी। पंजाब में शुरू हुई भी क्योंकि वो पहले लगाते हैं, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, और वो हुई भी बड़ी ज़बरदस्त है माशाल्लाह, ये देखें अभी इसमें दाना पड़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह जी। पार्टनर्स में आ चुका हूँ, कॉल तो मैंने उनको नहीं की है क्योंकि मुझे आना था, तो ये जो देख रहे हैं आप, ये जो मैंने उनकी जो फ्रेम फिट की थी उन्होंने, ये सीमेंट से की थी, तो अभी इसको पानी लगाते हैं इंशाल्लाह, कल भी मैंने लगाया था। ये देखें ये खुश्क हो रही है, वो आगे भी और ये भी, अभी लगाते हैं जी पानी इसको इंशाल्लाह। यासर भाई आ चुके थे, और ये देखें जो फ्रेम इन्होंने फिट की थी मेन होल के ऊपर, तो उसके ढक्कन ये लगा रहे थे, और ये और भी लेके आए थे जो कम पड़ गए थे, ये देखें ये सेटिंग कर रहे हैं, जो सीमेंट लगा हुआ है वो साइड पे कर रहे हैं। यासर भाई मेन होल के ढक्कन लगाने के बाद
ये देखें किचन का मिक्सर लगा रहे थे और ये शेंक लदा किया हुआ है। तो ये देखें जी, दरवाज़ा खोला हुआ था मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह जी, घर आ चुका हूँ और अभी नमाज़ पढ़ लीजिए, भी करते हैं थोड़ा सा रेस्ट, उसके बाद फिर इंशाल्लाह बाहर जाएंगे क्योंकि देसी अंडे लेके आने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, नमाज़ भी पढ़ ली है, रेस्ट भी कर चुका हूँ और अभी जाने इधर में लगता है हड्डी चढ़ाई हुई है, देखते हैं क्या बना रही हैं। और ये देखें ये वाटर मेलन है, तहरी के टाइम पर खाना है इंशाल्लाह। आटा भी अम्मी जान ने गून लिया। ये देखें जी, ये आलू पोश बना रही हैं, अभी ये बन रहा है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, ये अस्कंदा गोभी की जो रूट्स में निकाल के आपके सामने मैंने काटी थी, ये अब ड्राई हो चुकी हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह जी, अब यम्मी के लिए देसी अंडे लेने आया था तो वो नहीं मिले शॉप से, इधर से भी नहीं मिलते, नहीं मलाग्रीम आबाद है, कॉलोनी से भी नहीं मिले और इधर से भी नहीं मिले। पता करते हैं कहीं और से मिल जाए क्योंकि गर्मी भी है। देसी अंडे तो नहीं मिले, फार्मी लेके आ गया था मैं। तो ये देखें जी, अपना टावल मैंने सुबह डाला था धूप के ऊपर, ये खुश्क हो चुका है। और वो जो मैंने गुलकंद बनाया था वो बॉटल भी मैंने उठा ली है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इफ्तारी कर चुका हूँ, नमाज पढ़ ली है अल्हम्दुलिल्लाह, और आज का व्लॉग भी क्लोज़ करते हैं। तो मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दो में याद रखिएगा, मिलते हैं नई और अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।